हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स रिपेयर इट। और आज हम लोग यार देखने वाले हैं कि किसी भी पेन ड्राइव को हम कैसे बूटेबल बनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हमें किसी भी पीसी में विंडोज़ इंस्टॉल करना होता है तो पहले हमें पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना होता है, फिर उसमें विंडोज़ हम लोग डालते हैं, फिर जाके उससे हम इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए पहले आपको एक मिनिमम 8GB की पेन ड्राइव मस्ट है, जो कि मैंने ऑलरेडी इंसर्ट करके रखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद आप सर्च में यहाँ जाना है, फिर यहाँ पे सर्च करना है CMD, और इसको CMD को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रन कराना है। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा और क्लिक करना होगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो जैसे ये रन होगा, यहाँ पे एक वार्निंग आएगी, यहाँ पे आपको यस करना होगा, फिर ये CMD कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कमांड देना है पहले डिस्क पार्ट, जो आपको आपके सिस्टम में जितनी डिस्क हैं सबको वो कर देगा। सॉरी, मैंने स्पेस लगा दिया, डिस्क पार्ट ऐसे रहेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ रिस्पॉन्स आया डिस्क पार्ट। फिर यहाँ पे हम एक दूसरा कमांड देंगे लिस्ट डिस्क। अभी क्या करेगा, ये हमारे सिस्टम में कितनी डिस्क लगी हुई हैं वो रिटर्न करेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ डिस्क 0 है, जो कि मेरी हार्ड डिस्क है, और डिस्क 1 जो हमने एक्सटर्नल ड्राइव को लगाया हुआ है। तो हमको एक्सटर्नल ड्राइव को बूटेबल बनाना है, इसीलिए हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए कमांड है सेलेक्ट डिस्क 1। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है डिस्क 1 इज नाउ द सेलेक्टेड डिस्क। फिर इसके बाद हमको इसे फॉर्मेट करना होगा। ध्यान रखिए, फॉर्मेट करने से पहले आप अपने डेटा का बैकअप ले लें, नहीं तो ये पूरी तरह क्लीन हो जाएगा। फॉर्मेट करने के लिए इसका कमांड है क्लीन, और ये क्लीन कर देगा अपने नाम के हिसाब से। फॉर्मेट हो चुकी है ड्राइव। इसके बाद हमें एक दूसरा कमांड देना होगा, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, और डिस्क आर सक्सीडेड इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन, हमारे रिस्पॉन्स आया है। फिर हम इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट पार्टीशन 1, ये सिलेक्टेड पार्टीशन हो गया। अब इसको हमें एक्टिव करना है, ये एक्टिव हो गया। फिर इसके बाद हमको इसे कंप्लीट कर देना, फॉर्मेट fs इक्वल टू ntfs क्विक। इसके बाद आप एंटर कर दीजिए। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जो कि आपके प्रोसेसर की स्पीड पे डिपेंड करता है। आप थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं 100% कम्प्लीट हो गया है। तो अब आपकी पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल हो चुकी है। यहाँ से जाने के लिए आपको कमांड देना होगा एग्जिट। आप एग्जिट करेंगे, ये लीविंग डिस्क पार्ट आएगा, फिर यहाँ से एग्जिट कर दीजिए। अब आपकी पेन ड्राइव पूरी तरह बूटेबल हो गई है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो इसके बाद करना क्या है, हमको इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ला करके पेस्ट करना है।